नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा सिंह, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। और मैं चाहता हूं कि वी सेवन इस न्यूज चैनल के परेश दानी जी कुछ कहें, इस बात को आगे बढ़ाएं। मैं तो समझता हूं कि ये वातावरण के साथ अपनी बात रखिएगा आगे चल करके। इस बीच में जब ईमानदारी की तालियों के साथ आदरणीय श्री गोपाल शेट्टी जी का सम्मान करें, मित्रों आप यहाँ के स्थानीय सांसद होने के साथ साथ पूरे देश में जी आप सब लोगों की उपस्थिति में इस न्यूज़ चैनल का V7 न्यूज़ चैनल का उद्घाटन उसके स्मृति चिन्ह के साथ और आ मित्रों जोरदार ताली, एक बार जोरदार तालियां हो जाए फिर से। कुमार लंगेश जी जो कि ब्लैक कैट कमांडो उद्घाटन कर रहे हैं, एडिटर अमित मिश्रा और डायरेक्टर दानी जी को बहुत बहुत बधाई। इस बहुत ही एक्सपीरियंस पत्रकार रहे और उन्होंने पहले प्रिंट मीडिया में अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इस चैनल को बहुत मेरी शुभकामनाएं देता हूं और ये बॉम्बे ही नहीं महाराष्ट्र नहीं पूरे इंडिया में चैनल अच्छी बने इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए फॉर्म भरने के अंतिम दिन के पहले ऐलान तो करना ही पड़ेगा, एक दिन आगे या एक दिन पीछे, लेकिन ऐलान तो होगा, चुनाव भी होगा, जनता वोट भी देगी और हमारी पार्टी बहुत भारी मतों से जीत कर फिर एक बार महाराष्ट्र की सरकार का गठन हम करेंगे और आने वाले 5 साल में महाराष्ट्र की जनता का अच्छी तरह से सेवा करने का हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। V7 चैनल का आज यहाँ पर उद्घाटन हम सब लोगों ने मिलकर किया है, जिसमें पॉलिटिशियन भी है, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, जिसमें गायक कलाकार है, जिसमें मिमिक्री जगत के बादशाह यहाँ पर है और मैं मानता हूँ कि आज नवरात्र के पहले दिन पर ये लॉन्चिंग का कार्यक्रम हम कर रहे हैं तो माँ भगवती हम सबको अच्छी बुद्धि और बहुत शक्ति दे ताकि हम आने वाले दिनों में समाज और देश के हित में अच्छा काम कर सकें। देखिए आई लिखता आई सेवन ना मजा नहीं आता, आम हो जाता कि आम ब्रह्मास्मि बोल रहा है, जब वी कहेंगे तो वी कहेंगे, हम सब वी हैं, हम सब हैं। तो कई लोगों ने प्रेरणा दी, हम दो तो है ही हैं, बस 5 और जोड़े जा रहे हैं बहुत जल्दी और संभावना है कि बहुत जल्द हम केबल पर भी उतरेंगे, प्रयास अभी है। फिलहाल तो न्यूज़ पोर्टल और वेब न्यूज़ चैनल भी हमने लॉन्च किया है, देखते रहिए V7 न्यूज़ और V7 न्यूज़ के इस आयोजन को जो कवर कर रहा हूँ सारे चैनल देखते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद। बिल्कुल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, खबर 24 वाले ने कहा। इसमें जो एडिटर साहब हैं खास करके मेरे लगते जी जिनको कह सकता हूँ मैं कि अमित साहब जिन्होंने मतलब ये इतना बड़ा बीड़ा उठाया और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इन्हीं के सब लोग नहीं हम सब मिलके इनको सपोर्ट करें और जिनमें मैं अभी भी सुनील साहब के सामने ये कहना चाहूँगा कि न्यूज़ के अलावा अगर संगीत का मनोरंजन का कोई भी इनका हमको कोई पार्ट देंगे ये तो हम दोनों भाई भाग खूबी यहाँ निभाएंगे। तो गोपाल जी ने बोल दिया है कलाकारों का ज्यादा स्कोप होता है तो उसके उसके लिए एक छोटा सा गाना और गा देते हैं जो आपको बहुत पसंद है। जी जी प्लीज। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते, कहीं दूर परियों की नगरी में चलकर मोहब्बत का एक आशियाना बनाते, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते। जी हाँ, मगर वे V7 चैनल ऐसा है कि यहाँ हम सब लोग इसके साथ रहेंगे और अच्छे से अच्छा काम करेंगे और अच्छी अच्छी न्यूज़ें अच्छी अच्छी बातें पब्लिक तक पहुँचवाएंगे। V7 से मुझे विक्ट्री का फीलिंग हो रही है। V7 means V for victory. Yes. तो ऑब्वियसली परेश जी और अमित जी का एक बहुत अच्छा एफर्ट है कि ये न्यूज़ चैनल लेकर आ रहे हैं
और मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि हमें ऐसा लगता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं उसके बाद मीडिया हमारी ज़िंदगी में शामिल होता है, लेकिन मेरा एक एहसास है कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है तब से ही मीडिया से वो कनेक्टेड होता है, क्योंकि मेरा अपना खुद का स्कूल भी है तो वो एहसास मैं जानती हूँ। जब छोटे बच्चे का नाम मीडिया हाईलाइट करता है और उसके पेरेंट्स को जो खुशी होती है और उस बच्चे को जो खुशी होती है कदम आगे बढ़ाने की, वो किसी भी खुशी से बहुत बहुत प्रीशियस होती है। वो इतना इम्पॉर्टेंट मीडिया है, ऊपर से V7 चैनल आ रहा है जिसमें हमारे दो इतने हार्ड वर्किंग ब्रिलियंट पर्सन आर कनेक्टेड, अमित जी एंड परेश जी। तो V7 के लिए V फॉर विक्ट्री, और सभी से कहती हूँ कि एक बार V फॉर विक्ट्री बनाएंगे और ये चैनल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, बहुत आगे जाए और देश विदेश की खबरों को तो जोड़ेगा ही, बच्चों के लिए भी मोटिवेशनल कुछ प्रोग्राम जरूर आएगा।